स्वागत है दोस्तों आपका अपने क्लासेस कुमार क्लास में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, जो पिछले क्लास में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हाउ टू रिमेम्बर स्पेशल इंटीग्रल्स फार्मूला। जो हमने 9 फार्मूला आपको दिया था, 10th 11th भी ईजी है, इसलिए उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल इंटीग्रल्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपने याद कर लिया है, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरी जिम्मेदारी है। आ रहा है समझ में? जैसे मैं बिना कॉपी किताब के आया हूँ, ये समझो कि हमारा बोर्ड है जो आपके लिए आंसर शीट रहने वाला है, और एक आपके पास पेन रहेगा, ब्लू पेन रहे या ब्लैक पेन रहे, यही जाना है आपके पास एग्जाम देने के लिए, और आपका दिमाग रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है आपको। बाकी कोई चीज़ नहीं रहने वाला है आपको। फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट याद होने चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, और कैलकुलेशन आना चाहिए, उसके बाद आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि आपके बुक में पहले 6 दिया है और फिर लास्ट में दिया है। फॉर्मूला आप लोग को याद है, इसलिए आज मैं केवल फॉर्मूला मैं लिखूंगा, उसके बाद आंसर आप लिखने वाले हो स्पेशल इंटीग्रल्स का। तो सबसे पहले थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करना है, इसका वीडियो बना चुके हैं हम लोग। जिन्होंने भी नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखना है, हाउ टू रिमेंबर स्पेशल इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का फॉर्मूला याद करना हुआ मुश्किल, तो आज मैं जस्ट फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का टारगेट हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट है। बार बार फॉर्मूला का लिखो, बार बार, इतने बार लिखो कि भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाए। लोगों को याद करना मुश्किल रहता है, आपसे भूलना ही मुश्किल हो जाए। आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या बताया था, यहां पे क्या लिखोगे, 1/8 tan inverse x/a। यस बताओ आप, यस 1/2a और log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। इसमें भी मैंने कंसेप्ट बताया था कि इसमें प्लस को क्यों लिया है ऊपर, क्योंकि a इज a का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, a स्क्वायर का कोफिशियंट, और a माइनस एक्स प्लस सी। 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, वो भी फॉर्मूला लिखता हूँ। तो आज हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, याद कर चुके हैं फॉर्मूला, आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जस्ट एक बार देख रहे हैं हम लोग, ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूला का। आपको भी जब भी ये सॉल्व करते जाना है, तो आपको फॉर्मूला एक बार लिख देना है। किसी को कुछ दिक्कत है इसमें, देखो आप वेरीफाई करो फॉर्मूला को, सारे फॉर्मूले करेक्ट हैं। और ऐसे जब भी आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपका भी टास्क ऐसे ही होना चाहिए कि एक साइड में, एक पेज पे आपको फॉर्मूला लिख देना है। अगर आपने फॉर्मूला को अच्छे से लिख दिया है, फिर आपको डाउट नहीं आने वाला है। तो जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब हमारे पास फॉर्मूला है और हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी पढ़ लिया है, तो हमको सबसे फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है कि स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज करना है। और सेकेंड थिंग जो सबसे है, पहले जो मैंने बताया था कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस, मैथ्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, यस और नो। सो 3 थिंग्स को याद रखना है, फिर हर मैथ सॉल्व होने वाला है आपसे। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न इसमें क्या है, जो भी आप यहाँ पे 6 फॉर्मूला दिख रहे हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 है, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन। जैसे यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन को मत देखो, बस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखो, साइड में 1 है। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चंस में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, मतलब उसको रिमूव करना है और लाना है हमको क्या, 1 लाना है। ये आपको याद होना चाहिए, जब भी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अदर देन 1 है, तो उससे क्या करो, डिवाइड मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो उसको, ये आपको याद रखना है। और जैसे सपोज करो कि ए स्क्वायर है, अगर यहाँ पे 2 दिया रहेगा तो क्या करोगे, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग। अगर 2 है तो 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, √2 का होल स्क्वायर। अगर 3 दिया है तो √3 का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास 4 लिखा हुआ है
आप क्या करने वाले हो, 2 का स्क्वायर, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये आ गया, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे समझ में। और पहले भी मैं बताया था हूं, अगर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया आपने, बहुत अच्छे से देख लिया तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए स्पेशल इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। पेज नंबर बताओ आप किस पे है। मिला मुझे यहाँ पे, देखो प्रूफ भी हम लोग बाद में करेंगे, फॉर्मूला कैसे लर्न करना है उसको सिखा दिया है मैंने, अभी मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ और जो भी रिक्वायर्ड थ्योरी है वो थ्योरी भी साइड में करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस दिया है तो सबसे पहले हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है और जहां पे एक्स स्क्वायर आ जाए वो भी डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे माइंड में क्या चल रहा है अभी, बस माइंड में यही चल रहा है कि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 1 है। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसलिए आवर टास्क, जो हमारा टास्क है यहां पे, टू मेक इट 1, टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन, जहां पे एक्सप्रेशन में क्या हो, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसलिए जो हमारा स्टेप है, सबसे डिवाइड बाई 4 कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने पहले भी बताया हुआ था कि जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, असली मजा उसी में है, क्योंकि वो अगर आपको आ गया, जिंदगी में भी आ गया, आ रहा है समझ में। ये पानी का बोतल मुझे अच्छा नहीं लगा पीने के लिए, मैं चेंज कर दूंगा इसको, दूसरा लेके आ जाऊंगा, आ रहे सर, टेस्ट करूंगा पहले, नहीं दूसरा कर देंगे, लेकिन ट्रायल से मालूम चलता है। लेकिन जब आप एक ऐसा पॉइंट पे जाते हो जहां पे आपको गलती करना ही नहीं है, चांस ही नहीं है, वहां पे तकलीफ होता है। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो ट्रायल एंड एरर करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। तो जो भी ट्रायल एरर है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे मुझे समझेगा कि कौन सा क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल्स का है, कौन से हमारे माइंड में क्लिक कैसे करेगा, सिंप्लीफाई कैसे करना है, आराम समझ में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको 1 करना है। कैसे करना है, तो डिवाइड कर दो। अगर हम किसी एक्सप्रेशन में डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत हो गया ना फिर डिवाइड बाई 4 किया तो। लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कोई भी एक्सप्रेशन में चेंज नहीं होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है, पानी चेंज नहीं करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब तो हमने लिख दिया यहां पे, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट हमारा दिक्कत क्या आने वाला है कि फॉर्मूला याद है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला को बार बार लिखो, बार बार। मैंने बोला था कि tan टेढ़ा होता है इसलिए 1/a होगा यहां पे। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, अरे मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस, मैथ्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो जैसे ही यहां पे हमको देखा तो इसमें हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो अभी क्या लिखने वाले हो, 1/4, व्हाट इज a, a इज √11/2, ऐसे लिखो आप, 2/11 आ जाएगा क्योंकि 1/a दिया हुआ है। और यहां पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स x/√11/2, जो ऊपर चला जाएगा 2/11, और प्लस सी। तो ये रहा हमारा आंसर। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको x स्क्वायर टर्म नीचे आता है, आपके माइंड में आना ही चाहिए कि जो हमने स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला पढ़ा है उसी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे माइंड में क्लिक करेगा, बस याद यही रखना है कि मुझे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है और ट्राई टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक दो क्वेश्चंस नहीं, हम 20-25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चंस भी सेम आते हैं और 20-25 बार क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है। बड़े बच्चे हो आप लोग, छोटे तो रहे नहीं,
कुछ डाउट है तो बोलो आप लोग इस पे। जो भी पढ़ा रहा हूं पीडीएफ भेज देने वाला हूं, इसलिए लिखने की जल्दीबाजी मत करो, सोना नहीं है ये भी, क्योंकि जब हम क्लासेस लेते हैं और आप जब लिखते नहीं हो तो नींद आता है, इसलिए पानी पी सकते हो, डेस्क पर रखा हुआ है पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो 1/4 यहां पे बुक वाले ने भी लिखा है फॉर्मूला, देखो इधर ऐसे क्वेश्चन दिया है। हमने क्या बोला है, क्या बोला है हमने, कुछ बताया था अभी जस्ट 2 मिनट पहले, हमने बस यही बताया है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, 1 करना है। तो हम 1 कैसे करेंगे, तो डिवाइड बाय बी स्क्वायर करो। आप मेरे जैसा मत करना, एक बार और लिखना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक बार और लिखो। यहां पे डिवाइड बाय बी स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये लिख दिया, आ रहा है समझ में, ये लिख दिया हमने। अब कैसे है, साइड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वो भी रेड पेन से, खून से नहीं लिखना है। है क्या फॉर्मूला सही है, जैसे ही फॉर्मूला आपको याद है, आ रहा है समझ में, तो क्या करना है, 1/b² करना है, 1/2a, a क्या है, a by b है, और log a by b plus x करना है, a by b minus x करना है। बी से बी कैंसिल है, तो आ गया आंसर हमारा। कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो। आ रहा है समझ में, कितना परसेंट, सब कुछ आ रहा है, क्या बात है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। यस, और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, आप बोलो महेंद्र सिंह धोनी, बाकी कुछ हो चाहे नहीं, बाल तो है ना महेंद्र सिंह धोनी जैसा, आन बान शान हमारा बाल। यस, आपको कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, इजाजत हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहां पर देखो, अभी टेंशन नहीं लेना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है, टाइम बिल्कुल लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने अगर समझ लिया, मैं वही बता रहा हूं कि क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड है, कंसेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चंस अनलिमिटेड है, इसलिए आपको देखना है कि क्या पढ़ना है। आ रहा है समझ में, फिर से वही बात, वही शुरुआत, आ रहा है समझ में, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर थोड़ा झटका लग सकता है आपको, आ रहा है समझ में, झटका इसलिए लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं, सब कोई गलती करता है जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि आपसे इस हर आदमी से गलती होता है, लेकिन एक बार गलती हो जाए तो दोबारा नहीं करना चाहिए गलती। आ रहा है समझ में, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे मुझे कोफिशियंट ऑफ ये जो है, तो देखो अंदर में हम क्या करेंगे, 3x² - 7 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जब बाहर निकालेंगे ना तो रूट के साथ निकलेगा। यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे होता है गलती, मानो ना मानो ये सच है, 1/3 ही बाहर कर देते हैं, तो 1/√3 को बाहर कर दिया है। फिर से क्या किया हमने,
फिर से हमने क्या किया, अब फिर से क्या करेंगे, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या लिखोगे, 1/√3 लॉग लिखोगे एक्स प्लस, ठीक है इसी को लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो 7/3 आ गया डीएक्स। डीएक्स को प्लस 3 ही लिखना है। ठीक है, और कुछ डाउट है? इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। है क्या कोई दिक्कत परेशानी, आ रहा है समझ में? ये याद रखना है। ये सब तो कैसा है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि जब आप केवल कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या कर रहे हो, मेक इट इक्वल टू 1, और फिर उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ रहा है डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये क्या है, कंपेयर करना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लाइफ हो या मैथ्स, अगर अगर वो कड़ी कमजोर हो गया तो कुछ भी नहीं चलने वाला है। आ रहा है समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो ये लिख दिया। अब देखो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के थ्योरी नहीं पढ़ाया है, जानबूझ के पर्पसफुली। आ रहे समझ में? अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक, फॉर्म वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। आ रहा है समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, अगर ऐसे दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो डी एक्स, इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो स्टेप फर्स्ट, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हो, काम एक ही करना है। काम एक क्या करना है, जो पहले हमने बताया था, पहले हमने क्या बताया था, मेक द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ इट इज नॉट गिवेन, अगर नहीं दिया है तभी तो करेंगे ना। जब भी क्वेश्चन आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, 1 करना है। कैसे करना है, तो जो भी कोफिशियंट रहेगा उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। आरंभ में तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे एक्स स्क्वायर को लिया, बी एक्स प्लस सी को लिया, ए यहां पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो ए से मल्टीप्लाई करो और ए से डिवाइड करो, ये तो बाहर आ जाएगा। अगर 1 अपॉन लेते हो तो ऐसा भी ले लो, ये 1 अपॉन ए हो गया, और यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी लिख दिया। ये हमारा स्टेप 1 था। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, जो पहले हम लोग जैसे ही एक्स स्क्वायर कोफिशियंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, सीधा मालूम चलता था करना क्या है। आ रहा है समझ में? लेकिन कुछ कुछ फिल्म होती है ना, मालूम ही नहीं चलता है, जब तक लास्ट तक नहीं जाते हैं तो मालूम ही नहीं चलता है हीरो कौन है और विलेन कौन है। आ रहा है समझ में? तो इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 तो किया है, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं। आ रहा है समझ में? वहां पे एक ही स्टेप था, यहां पे स्टेप क्या है, 2 स्टेप आने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 2, और खुद से भी समझ में आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो, खुद से भी समझ में आएगा। एक चीज और भी याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव हटाना है। एक बात याद है, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो माइनस 1 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। आ रहा समझ में? अब हमको हमारा काम यहां पे नहीं हुआ, सेकेंड स्टेप क्या करना है, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर का एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, एडिंग एड एंड सब्ट्रैक्ट।
माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। माइनस बी अपॉन टू ए क्या करना है, ऐड और सबट्रैक्ट करना है। क्यों करना है अभी मालूम चलेगा आपको, क्यों करना है हमको अभी मालूम चलने वाला है, क्योंकि जैसे वन अपॉन ए और आपने यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स लिखा, और जैसे ही अपने इसमें स्क्वायर को ऐड किया बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आता है, और इसको माइनस भी करना पड़ेगा हम लोगों को और प्लस सी। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा क्या हो गया, वन अपॉन ए और यहां पे क्या लिखते हो एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और एक कांस्टेंट है, इसको भी सॉल्व करोगे तो समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला में आ जाएगा। अब उधर से कोई बोलता है कि सर मजा नहीं आया, अरे सर फील नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन हमने सॉल्व ही नहीं किया तो फील कैसे आने वाला है, अभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इसलिए मैं यहीं तक इसको रोकता हूं। क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, और वहां पे आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको करना है क्वेश्चंस को सॉल्व, आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप, यहां पर आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, वन करना है, तो वन कैसे आने वाला है, अरे इन समझ में माइनस 25 से डिवाइड करो और माइनस 25 से मल्टीप्लाई कर दो आप, सो नेक्स्ट क्या आने वाला है, माइनस वन अपॉन 25 को बाहर ले लिया हमने, यहां पे देखो डिवाइड करो। और मैंने एक और चीज भी बताया था आपको कि नाइन्थ क्लास में जब हम पॉलीनोमियल पढ़ रहे थे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, पहले हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिखते हैं फिर उससे लोएस्ट फिर उससे लोएस्ट, तो एक बार में वैसे ही कर दो आप, देखो माइनस 25 माइनस 25 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10x बाई 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 25 हो जाएगा। यस और नो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल यस नहीं बोलना है, और समझ में आ रहा है तो यस भी बोलना है आप लोगों को। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमने कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया है, वन कर दिया है। नेक्स्ट क्या था, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमको एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है, नहीं तो एक्स प्लस का उस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं उसी फॉर्म में दिया हुआ है। आ रहा है कि समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने क्या किया, यहां पे b क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऐड करना है, तो जैसे ही हमने कंपेयर किया, मैथ्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, यहां पे 1 है b 10 अपॉन 25 और c क्या है माइनस 3 अपॉन 25, तो अभी हमने क्या किया, जैसे माइनस 1 अपॉन 25 लिखा है, अगर यहां पे x स्क्वायर लिखा प्लस 10 अपॉन 25 x लिखा, यहां पे अगर इसको और सॉल्व कर सकते हो, 2 अपॉन 5x, इसका हाफ करोगे b बाई 2a करोगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 का होल स्क्वायर को ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे क्या लिखने वाले हो, x प्लस 1 बाई 5 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आता, माइनस 1 अपॉन 25, माइनस बाहर है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इसको ऐड करना है, तो इसका माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव ही लिया है, और फिर माइनस ऑफ दिस, तो माइनस 125 अपॉन 3 अपॉन 25 कितना आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन 25, इसको और मैं अच्छे से लिखूं, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न ऑब्जर्वेशंस रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग कैसे बनाते हो आप, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन,
अभी हमने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया है, अभी हमने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया है, और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या लिखोगे, 1/2a लिखोगे, लॉग लिखना है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, कोफिशियंट ऑफ ए स्क्वायर निगेटिव है इसलिए निगेटिव जो एक्स माइनस ए है उसको ऊपर लिखा है। अब जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस 1/25, 1/2a लिखना है, 1/2, ए क्या है 2/5, और लॉग एक्स प्लस 1/5 माइनस 2/5 और एक्स प्लस 1/5 प्लस 2/5। फिर से बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, फिर से बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है तो देखो आप, f5 जा माइनस 1/2 क्या आ गया, 20 आ गया, यहां पे लिखोगे लॉग, ये पे सॉल्व करोगे तो माइनस 1/5 आ रहा है, 3/5 आ रहा है। फिर से सॉल्व करोगे क्या लिखना है पड़ेगा आपको, 5x माइनस 1 अब 5x प्लस 3, क्योंकि डिवाइड बाय जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा। किसी को भी कुछ डाउट है एक बार अच्छे से फिर से देखो, क्वेश्चंस को देखो, आंसर मैच कर सकते हो आप। आरएसएम में कैलकुलेशंस आना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कैलकुलेशंस नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे क्या बताऊं, जो मानना है मानो, रिक्वेस्ट आदेश जो भी है, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला के लिए इसलिए हमने ऐसा सिखाया है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये क्या है, यहां पे 2/5 है, नोट डाउन करो आप लोग, कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछो आप लोग। नहीं ठीक है, माइनस 25 से आपने डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर तो आ गया, ये माइनस 10x है तो वो भी ये हो गया। रीअरेंज नहीं देखो कि ये भी सही है, उन्होंने क्या किया है, जो माइनस है ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनका जैसे एक्स प्लस 1/5 का होल स्क्वायर आया उसको माइनस नहीं आना चाहिए था। वो उन्होंने गलत किया हुआ है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/5x है, ये देखो यहाँ पे रहना चाहिए प्लस 2/5, यही से उनका गलत हुआ है। 3/25 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया इसका तो कैंसिल ही हो गया, यहीं पे गलत कर दिया है उन्होंने। इसलिए नोट डाउन करो आप लोग इसको, और कुछ डाउट है तो बताओ आप लोग।
रहा है कि समझ में? देखो एक एक हमारा फॉर्मूला क्या डिफरेंस हो सकता था, अगर माइनस मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर देता तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता, तो ये सब चेंज होता, बाकी हमारा सही है, उन्होंने वहां पे गलत कर दिया है वो। और यहाँ पे भी उन्होंने ये देखो यहाँ पे भी गलत किया, जैसे ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल, कहाँ होगा, उसने कैंसिल कर दिया, टू टू जा क्या होता है फोर होता है, अरे फाइव जा हो जाएगा, तो फोर इंटू ये कैंसिल कहाँ होगा, ये भी गलत किया है। बुक वाले से भी गलती होता है, गलती तो हर इंसान से हो सकता है, आ रहा है नहीं समझ में? वन अपॉन टू लिया है तो ये कैंसिल कहाँ होना है, तो मल्टीप्लाई है ना, फोर बाई फाइव होगा ना, और फाइव फाइव जाए तो वन अपॉन ट्वेंटी ही आने वाला है, अरंग समझ में? इसलिए अच्छे से ध्यान दो, एकदम सिंपल वे से, एकदम धीरे 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 आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन था, अभी इसको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, ये फटाफट करो आप लोग, फिर एक क्वेश्चन को और सॉल्व कराता हूं। हेलो आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा है तो नो बोलना है, चलेगा, दिल पत्थर हो गया आप, कुछ भी चलेगा, आ रहा है समझ में? पहले ऐसा लगता था कि कैसे नहीं समझ में आ सकता था, लेकिन अभी लगता है हो सकता है, हर चीज हो सकता है दुनिया में, जो सोच रहे हो सब हो सकता है। जो लिख रहे हैं वो लिखो भी, और साइड में एक क्वेश्चन दे देता हूं जो मैं आगे सॉल्व करने वाला हूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व, ट्राई करना है खुद से सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमने क्या बताया है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, वन करना है, उसके बाद नेक्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आंसर एक्सपेक्टेड है कि आप आंसर दो। हेलो
आया क्या समझ में? तो चलो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। मैगी नहीं है कि मैं 2 मिनट टाइम दो, अभी टाइम नहीं देने वाला है, टाइम हो चुका है आपका ऑफ। अब है ये देखो सिंपल, देखो मेरे साथ ही सॉल्व करो आप लोग, और आप ही जो सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ। यहां पे देखो, यहां पे सब बच्चे इधर ध्यान दो। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ करने का जरूरत है क्या? कुछ भी जरूरत नहीं है ना क्वेश्चन में। यहां पे देखो, आनंद करना आप आपने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस b बाई टू का करना है, मतलब 4 का यहां पे क्या करो b बाई टू, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहां पे b क्या है 8 है, उसका 2 से डिवाइड करना है तो 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है, और यहां पे 12 है। एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस 16 प्लस 12 तो माइनस 4 आ गया, तो फिर से क्या करेंगे एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखेंगे 1/2a, मतलब 2 × 2 लिखेंगे, लॉग कुछ डाउट है तो बताओ आप इसमें, क्या बात है? क्या बात है? अरे जो मार्स आ जाए आपको बस सॉल्व करना है, आम खाओ गुठली मत गिनो। चलो लिख दिया क्या ये। अब देखो इसका ये वाला क्वेश्चंस भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं आ सकते वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये 6 कर लिया आपने, ये 5th, दिखाना नहीं है सॉल्व करना है, ये लिखो होमवर्क। नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो, ऐसा कौन सा बात है कि नहीं आया, और क्यों नहीं आएगा पहले बताओ, नहीं आएगा क्या है? बट क्या ऐसे स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन बताया था ना, जो कन्फ्यूजन होता है कि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बाहर 1/3 रहते हैं, जबकि यस क्या बात है, सब आता है। सब बताएंगे, घबराओ मत, चुन चुन के सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। अब देखो 8 वाले क्वेश्चंस में है, यहां पे देखो ठीक है, अब हमको क्या है सब्स्टिट्यूशन, मैंने बताया था कि जिंदगी में अगर सब्स्टिट्यूट करना सीख लिए, पानी थोड़ा सा गर्म रखा है, ये सर्दी उर्दी हो रहा है बच्चे लोगों को, इसलिए सब्स्टिट्यूट क्या करें, कभी कभी टाइम लॉस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो ठीक है ये भैया का भी बात मान लेते हैं हम, इन भैयों ने बोला है कि 2 sin x cos x लिख दो, इससे क्या निकला हमारा, देखो निकल गया बहुत कुछ निकला। जैसे ही अगर हमने साइन स्क्वायर एक्स पुट किया t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो 2 sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है cos x और dt/dx,
तो यहां पे क्या लिखने वाले हो आप, डी टी अपॉन 3t² माइनस 4t+1। अरे अब बताओ सॉल्व हुआ कि नहीं। इसलिए मैंने बोला है सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चुनाव करना है कि किसको बैठाना है तो सबसे मेन वही है, किसको चुने, प्रधानमंत्री बनाना है किसको चुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन हमारा परफेक्ट हो गया तो काम हो गया, अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यस, कुछ डाउट है तो बोलो आप। घर पे करना है, हर टाइप का क्वेश्चन सिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, नोट डाउन करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां पे देखो, इधर देखो छोटू, इधर देखो, पूरा रात आपके पास रहता है यार, आगे से पढ़ाई कर दो, उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अभी मत करो ऐसे, ई का पावर रूट एक्स सीधा जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई करता हूँ। बचेगा ना रूट ई का पावर एक्स, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या बात है क्या बात है, ध्यान दे रहे हैं बच्चे, खुश हो गया मैं एकदम। अब तो सॉल्व कर सकते हो ना, अरे वही ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला भूल गए हो आप, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। यस, हमने बताया था ना, यहाँ पे देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या लगता है समझा पाया कि आप मैंने, इसलिए इसी पे कन्वर्ट करना है। होमवर्क लिखो आप लोग, एक्सरसाइज 3.2b। वन टू ट्वेंटी क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे।